हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू स्टैंडर्ड 10 मैथ्स क्लासेस नोबलवुड स्कूल। यू नो दैट इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ नोट्स लिखवाई थी स्टार्टिंग में। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। फिर मैंने आपको वीडियो में बोला था डी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। डी इज अ रियल नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन भी हो सकती है। सेकंड थिंग, ए इज द फर्स्ट टर्म। अब ए एंड बी गिवन है तो आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी मिल जाएगी, एंड अगर आपको एपी गिवन है तो उसके ऊपर से आपको ए एंड बी मिल जाएगा। बी मतलब होगा डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। फिर एक और फॉर्मूला भी करवाया था, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं गिवन है देन डी इज इक्वल्स टू ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। क्लियर है इतना? अब आगे जा रहे हैं हम लोग। एक और चीज बता दूं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है उसमें ऐसा कहा है कि एवरी टर्म इज ऑब्टेंड बाय, हर एक टर्म फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ठीक है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी के सारे टर्म्स जो है वो कैसे मिलते हैं, तो प्रीवियस टर्म में डी एड करने से। एवरी टर्म इज ऑब्टेंड बाय एडिंग एड कॉमन डिफरेंस या तो फिक्स्ड नंबर इनटू प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। सो अब यहां पे हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो नोटिस है मैं वो रीड करता हूं। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ दी एपी। फर्स्ट फोर टर्म्स, पहले चार टर्म्स हमें लिखने हैं, फोर टर्म्स। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड बी एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोस। आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको चार टर्म लिखने हैं। एकदम सिंपल चीज है। फर्स्ट सम पे ही मैं सीधे चले जाता हूं, एकदम इजी है, आपको भी आ जाएगा। फर्स्ट वन क्या है, ए इज इक्वल्स टू 10 एंड बी इज इक्वल्स टू 10। A is the first term, B is the common difference. B is not second term, B is common difference. हम terms को कैसे denote करते हैं? Denote का पूछ रहा हूँ मैं, formula नहीं पूछ रहा। Denote A1, A2, A3, A4. A1 मतलब first term, A2 मतलब second term, A3 मतलब third term, A4 मतलब fourth term. ठीक है? So A and B आपको given है। अब आपको terms लिखने हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा first term. फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 10, ए इज इक्वल्स टू 10। सेकंड टर्म, चलिए सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, तो आपको अभी मैंने बताया प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से। प्रीवियस टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, 10 में 10 कॉमन डिफरेंस क्या है, 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। ये आप वो जनरल फॉर्म वाले फॉर्मूलाज लेके भी कर सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी करके भी कर सकते हो, उसमें भी सेम आंसर आएगा, दोनों चलेगा। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ थर्ड टर्म, क्योंकि उसका तो हमें बाद में यूज करना ही है, इसका यूज नहीं आता तो इसे हम अभी कर ले। थर्ड टर्म, प्रीवियस टर्म कौन सा है, 20, उसमें क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस 10, 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 30। फिर फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा, 30 प्लस 10, प्रीवियस टर्म 30 एंड कॉमन डिफरेंस 10 इज इक्वल्स टू 40 एंड सम इज ओवर। ये चार और फर्स्ट फोर टर्म्स मिल गए, 10, 20, 30 एंड 40। आप वैसे तो मुंह पे भी इसमें बता सकते हो, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेशन का कहा है तो सेकंड वन में क्या है, ए इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 0। ए इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसमें भी इसके जैसे ही करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगा बोलिए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू माइनस 2। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म में है माइनस 2, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, माइनस 2 प्लस 0 का क्या होगा, माइनस 2। वैसे ही थर्ड टर्म बोलो कैसे मिलेगा, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2। फिर वैसे ही फोर्थ टर्म
क्या मिलेगा, -2 + 0 = -2 हो गया। ये सेकंड वन कंप्लीटेड हो गया। अब थर्ड वन पे हम लोग जाते हैं। थर्ड वन में क्या क्या गिवन है चलिए बताइए, a = 4 and b = -3। b की वैल्यू रियल नंबर होती है ये मैंने बता दिया है आपको। दूसरी चीज भी बता दूं, b की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसके टर्म्स की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी, इट इज डिक्रीजिंग। वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसी होगी, डिक्रीजिंग। अगर अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग होगी, एंड जीरो है तो वो वही के वही रहेगी। देख लीजिए -2 - -2 - 2 इट इज दी एपी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, a या a1। a तो आपको गिवन ही है, कितना है तो 4 लिख दो। फिर उसके बाद सेकंड टर्म की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सेकंड टर्म क्या होगा, 4 + -3। 4 + -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 - 3 = 1। देखिए डिक्रीज हो गया 4 से 1। अब वैसे ही थर्ड टर्म हम लेंगे, थर्ड टर्म। तो चलिए थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, प्रीवियस टर्म में डी एड करने से। प्रीवियस टर्म यहाँ पे अब कौन सा है, सेकंड टर्म मतलब 1। प्रीवियस टर्म में थर्ड का प्रीवियस सेकंड होगा, 1 प्लस बी क्या है, -3। अब मैं ये डायरेक्ट करूंगा, 1 - 3 का आंसर क्या होगा आप बताइए, 1 - 3 प्लस माइनस माइनस, आंसर में साइन बिगर टर्म की, 3 - 1 मतलब क्या होगा, 2, एंड आंसर में साइन बिगर टर्म की मतलब -2। एंड वैसे ही फोर्थ टर्म क्या होगा, -2 + -3 प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस। प्रीवियस टर्म है -2 + डिफरेंस, -2 + - क्या हो जाएगा, माइनस, इन दोनों का माइनस, तो लास्ट में रहेगा -2 - 3। अब आप बताइए -2 - 3 का आंसर क्या आता है, यस वेरी गुड, इट इज -5। ठीक है, क्लियर हो गए चारों टर्म, थर्ड वन भी हो गया। फोर्थ वन पे आ रहे हैं हम लोग। फोर्थ वन में गिवन है -1 है एंड d = 1/2। a = -1 and b = 1/2। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1। फिर सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। प्रीवियस टर्म क्या है, -1 + कॉमन डिफरेंस 1/2। अब कुछ लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं सर अब इसका क्या करना है, मैंने जब क्लास में बेसिक्स करवाया उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस मैंने करवाया था। कब करवाया था, मार्च मंथ में जब हमारी छुट्टियां स्टार्ट हुई थी उससे पहले मैंने बेसिक्स करवाए थे। यहाँ पे लेना होगा एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 2। अब इसके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, सो इसको 2 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो ये हो जाएगा ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 + 2 मतलब -2 + 1। -2 + 1 का आंसर क्या होगा, -1/2। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, कौन सा हुआ, सेकंड टर्म। वैसे ही आपको थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म जो है वो होमवर्क में करना है इसी सम का। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन याद रखना, एलसीएम लेना है, बेसिक मैंने करवाया था। उसके बाद फिफ्थ सम, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 2 में फिफ्थ वन में ऐसा कहा है, a = -1.25 एंड d = -0.25। अब ये पॉइंट वाले आए, आप बोलोगे सर ये तो इधर फ्रैक्शन आया इधर पॉइंट वाले आए, मेथड कॉमन रहेगी, आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के रूल्स जो है वो अप्लाई करने होंगे जो आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो। सो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a = -1.25। फिर उसके बाद सेकंड टर्म,
सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, तो प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से, प्रीवियस टर्म कौन सा है -1.25, उसमें ऐड करो, क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है -0.25, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा साइन का, मतलब ये होगा माइनस, तो बचेगा -1.25 -0.25। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों का सम करना होगा, पॉइंट वालों का सम करने का रूल वो भी मैंने बेसिक्स में करवाया है, पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, कंपलसरी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, फिर जो प्लेस खाली बचते हैं वहां पे जीरोस ले लो, तो ये माइनस माइनस प्लस 1.25 प्लस 0.25 का अगर आप सम करोगे तो मुझे तो मुंह पे आता है, मैं लिख देता हूँ, आपको रफ पेज में करना होगा 1.50 एंड आंसर में साइन होगी बिगर टर्म की, सो इट इज माइनस। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। वैसे ही आपको इसका भी थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म जो है वो होमवर्क में करना है। मैं बता देता हूँ आंसर आपको क्या आएगा, अगर ना आए आंसर या कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, तो मुझे कॉन्टेक्ट करना मेरे नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड टर्म होगा 0 एंड फोर्थ टर्म होगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे थर्ड टर्म होगा -1.75 एंड फोर्थ टर्म होगा -2.00। ये क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हो गया, ये कंप्लीट आपको अपनी फेसबुक में लिख लेना है, ये लिख लो, तब तक मैं आगे का क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 में ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऊपर नोटिस ऐसे गिवन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपको लिखना है एंड क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, वो तो एकदम ईजी है, लेकिन लिखना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए फर्स्ट वन एपी है ऐसा आपको बोल दिया है, फर्स्ट वन क्या है 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3 एंड सो ऑन। अब यहां पे कोई है ना डायरेक्ट लिखने जाएगा डी की वैल्यू तो नहीं चलेगा, ये तो डायरेक्ट मिल जाता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू अगर कोई डायरेक्ट लेने जाएगा तो नहीं चलेगा, तो आपका सम रॉन्ग होगा, क्यों वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ए ए एंड डी दोनों लिखने हैं, ए इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट टर्म इज 3। अब डी के लिए क्या करना है मालूम है, कंपलसरी सबको फॉर्मूला लिखना है A2 - A1, क्या लिखना है A2 - A1, A2 का मतलब होगा सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म की वैल्यू 1, माइनस का माइनस, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3, 1 - 3 का आंसर क्या होगा -2। देखिए आप लोग माइंड में सोच रहे थे कि इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 नहीं है, मैंने आपको बोला है जब भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वैल्यूज जो है वो डिक्रीजिंग होंगे तब डी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड वन ए एंड डी मिल गए, सम इज ओवर। सेकंड वन में क्या है, सेकंड इक्वेशन -5 -1 3 7 सो ऑन। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हियर, फर्स्ट टर्म क्या है A इज इक्वल्स टू -5, A की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, A की वैल्यू ऐसा कंपलसरी नहीं है यही होनी चाहिए या वो होनी चाहिए, A इज इक्वल्स टू -5 एंड B का फॉर्मूला क्या होगा A2 - A1, A2 - A1 होगा इसमें A2 मतलब सेकंड टर्म क्या है इक्वल टू करके मैं A2 की वैल्यू लिखता हूँ -1, फिर माइनस का माइनस, देखिए इसमें साइन में बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस एकदम आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, कंसंट्रेशन पूरा हो तो आप जल्दी कर सकते हो, अगर आपका कंसंट्रेशन कहीं आजू बाजू भटक जाता है तो इसमें जल्दी मत करना। -1 के बाद फिर ये माइनस आया, फिर A1 की वैल्यू क्या है -5 हो गया, तो चलिए अब इसका सिंप्लीफिकेशन -1 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, -1 + 5 का आंसर क्या होगा 4, सो डी इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू 4 मिली। कोई बोलेगा सर 5 के बाद 1 आता है डिक्रीजिंग है, अरे भाई डिक्रीजिंग नहीं है ये इंक्रीजिंग ही है,
माइनस फाइव एंड माइनस वन है, आपको पता है, आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, माइनस फाइव से माइनस वन की वैल्यू बड़ी होती है, माइनस फाइव से माइनस वन की वैल्यू बड़ी होती, माइनस में जो छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। फिर थर्ड वन पे आ जाता हूं मैं, थर्ड वन में आपको क्या एपी गिवन है, वन अपॉन थ्री, फाइव अपॉन थ्री, फिर है सेवन अपॉन सॉरी नाइन अपॉन थ्री, फिर है थर्टीन अपॉन थ्री एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म आप ऐसे ही लिख सकते हो, हियर ए इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या होगा, वन अपॉन थ्री एंड डी, डी की वैल्यू क्या होगी, ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है, फाइव अपॉन थ्री माइनस ए वन क्या है, वन अपॉन थ्री। अब ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, अभी मैंने क्वेश्चन टू में आपको बताया था एलसीएम लेना होगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जो सेम एलसीएम है वो ले लेना है थ्री डिनोमिनेटर में, ऊपर होगा फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन क्या होगा फोर, तो ये होगा फोर अपॉन थ्री, डी इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री एंड सम इज ओवर। वैसे ही सम नंबर फोर हम लोग ले रहे हैं, अब सम नंबर फोर ये आपको होमवर्क में करना है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन, ऐसी आपको एपी गिवन है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टर्म तो 0.6 होगा, डी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, आंसर बता देता हूं मैं ताकि आपको सॉल्व करने के में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सको। सोल्व करने के लिए ए टू माइनस ए वन लोगे, 1.7 माइनस 0.6 करोगे तो आंसर आएगा, आपको करना है, अगर आंसर ना आए समझ में ना आए तो मुझे पूछना, ठीक है, उसका आंसर आएगा 1.1, डिफरेंस होगा 1.1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थ्री भी आप अपनी फेयर बुक में लिख लो, फिर उसके बाद आगे हम वीडियो थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। सो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में नोटिस ऐसी गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीस, आपको गिवन है उसमें से चेक करना है एपी कौन सी है, जैसे क्वेश्चन 1 में हम करते थे, लेकिन डिफरेंस है, क्वेश्चन 1 में आपको सिचुएशन गिवन थी, लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको बनाना था, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स भी गिवन है, सिचुएशन नहीं गिवन है, ठीक है। फिर इफ दे फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड दी कॉमन डिफरेंस डी, आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है, एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, तीन जितने भी टर्म्स गिवन है उससे थ्री मोर टर्म्स, मतलब अगर चार टर्म्स गिवन है तो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है टू, फिर उसके बाद है फोर, फिर एट, फिर सिक्सटीन, अब आप देख के डिसाइड कर पाओगे एपी है या नहीं है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट है या नहीं है, नहीं है, देखिए इसमें टू है, इसमें फोर है, इसमें एट है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि देखने से पता चल जाता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है, हियर ए टू माइनस ए वन, जैसा हम क्वेश्चन वन में करते थे, सिचुएशन से नंबर ऑफ लिस्ट लेने के बाद क्या करते थे वो यहाँ पे करना होगा, ए टू क्या है फोर, माइनस ए वन क्या है टू, फोर माइनस टू क्या हो जाएगा टू, फिर ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए टू क्या होगा एट, माइनस फोर इज इक्वल्स टू फोर, तो अब इसमें आगे ए फोर माइनस ए थ्री लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस एंड थ्री मोर टर्म्स लिखने हैं, एपी नहीं है तो आप कॉमन डिफरेंस एंड थ्री मोर टर्म्स लिख नहीं सकते, फर्स्ट वन इज ओवर। चलिए सेकंड वन पे जा रहा हूं मैं, टू है, फिर उसके बाद है फाइव अपॉन टू, फिर है थ्री, फिर है सेवन अपॉन टू एंड सो ऑन। देखिए जब भी फ्रैक्शंस आए ना तब फ्रैक्शंस में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है, अगर आप इसके सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक करते हो एंड आपके मार्क्स कट होते हैं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं टेंथ का समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका बेस प्रॉब्लम है, बेस फिर भी मैंने मार्च में आपको ये सारी चीजें करवाई थी तो आपको उसे रिवाइज्ड कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लेंगे
वैसे ही पहले तो चेक करेंगे एपी है या नहीं, आप लोगों को देख के नहीं पता चलेगा इसमें एपी है या नहीं है, मुझे पता है ये एपी है। ए टू माइनस ए वन, सेकंड टर्म कौन सा है, फाइव अपॉन टू, माइनस ए वन क्या है टू, तो एलसीएम लोगे टू, इधर फाइव का फाइव, क्योंकि इसके पास तो टू है सो इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो वन, वन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टू को भी टू से करो, फाइव माइनस फोर, टू टू जा फोर, फाइव माइनस फोर मतलब क्या होगा वन अपॉन टू। सेम वे ए थ्री माइनस ए टू लेते हैं, ए थ्री क्या है थ्री, थर्ड टर्म इज थ्री, माइनस फाइव अपॉन टू, तो इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा टू है। जब भी एडिशन एंड फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो तब हमें क्या लेना पड़ता है एलसीएम, मल्टीप्लाई में नहीं लेना पड़ता, मल्टीप्लाई में कोई मत लेना, मल्टीप्लाई में होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। यहाँ पे टू इज द एलसीएम, टू थ्री जा सिक्स, माइनस का माइनस, फाइव का फाइव, क्योंकि इसके पास टू है इसको मल्टीप्लाई मत करना, जिसके पास नहीं है डिनोमिनेटर में उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सिक्स माइनस फाइव क्या होगा वन, वन अपॉन टू हो गया। फिर ए फोर माइनस ए थ्री, जहां तक गिवन है वहां तक लेना होगा, ए फोर कौन सा है सेवन अपॉन टू, माइनस ए थ्री क्या है थ्री, एलसीएम क्या होगा टू, इसके पास है सेवन का सेवन, माइनस का माइनस, इसके पास नहीं है, टू थ्री जा सिक्स, सेवन माइनस सिक्स क्या हो जाएगा वन अपॉन टू। तो देखिए सब में टू डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम कॉन्स्टेंट, सो देयरफॉर ए टू माइनस ए वन इज इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल्स टू ए फोर माइनस ए थ्री, सो इट इज एन एपी, ये एपी है, ये एपी है, एपी है तो कॉमन डिफरेंस एंड थ्री मोर टर्म्स लिखने हैं, सो कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर डी, डी का फॉर्मूला कंसेक्यूटिव टर्म में मैंने आपको बताया ए टू माइनस ए वन। अब यहाँ पे कैलकुलेशन वापस करने की जरूरत नहीं है, ए टू माइनस ए वन का आंसर हमारे पास है वन अपॉन टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं एंड वन अपॉन टू डी। अब थ्री मोर टर्म्स चाहिए, यहाँ पे कितने टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो कौन से टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, ये भी ऐसा ही करेंगे, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा, सो फिफ्थ टर्म, नाउ फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगा, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस है, प्रीसीडिंग टर्म मतलब फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कौन सा है सेवन अपॉन टू, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कॉमन डिफरेंस क्या है डी वन अपॉन टू, सेवन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, इसमें टू इज द एलसीएम, दोनों में टू टू है तो डायरेक्ट टू ले लेना है, ऊपर होगा डायरेक्ट सेवन प्लस वन, क्योंकि दोनों के पास टू है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा एट अपॉन टू इज इक्वल्स टू फोर। फिफ्थ टर्म क्या मिला फोर, फिफ्थ टर्म क्या मिला फोर। अब क्या लेंगे सिक्स्थ टर्म, चलिए सिक्स्थ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म प्लस डी, सिक्स्थ का प्रीवियस कौन सा होगा फोर, फिफ्थ टर्म मतलब फोर प्लस फोर, मैंने वैल्यू बोली है नंबर नहीं बोला, कोई ऐसा मत बोलना सर सिक्स्थ का प्रीवियस तो फिफ्थ होता है आपने फोर बोला, फोर मैंने फिफ्थ टर्म की वैल्यू बोली है, फोर प्लस वन अपॉन टू, सो एलसीएम वापस आएगा टू, इसको टू से मल्टीप्लाई करो, टू फोर जा एट प्लस वन मतलब होगा नाइन अपॉन टू, हो गया सिक्स्थ टर्म। अब सेवंथ टर्म, थ्री टर्म हमें चाहिए मोर, सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म क्या होगा, सेवंथ टर्म होगा सिक्स्थ टर्म प्लस डी, सिक्स्थ टर्म है नाइन अपॉन टू प्लस डी क्या है वन अपॉन टू, तो एलसीएम लेना होगा टू, ऊपर होगा नाइन प्लस वन मतलब टेन अपॉन टू मतलब होगा फाइव, तो बाकी के तीन टर्म मिले फोर नाइन अपॉन टू एंड फाइव, क्लियर है सबको ये चीजें, ठीक है। अब इसके बाद के जो सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, वीडियो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए वीडियो देखे, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो भी स्टडी करते हैं स्टडी के लिए ये एकदम फ्री मटेरियल है एंड फ्री वीडियोस लेक्चर हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, गुड बाय।